हमारे जो है ना जामिया अशरफिया के अंदर सालाना पेपर शुरू हो चुके हैं और कल हमारा एक पेपर हो गया और आज हमारा दूसरा पेपर है। इसको ज़रा तंग कर दिया, तंग करते हैं भाई, मुझे खुद डर लग रहा है। हो गई। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अमीनुल्लाह और आप देख रहे हैं अमीन व्लॉग चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ आपका भाई बिल्कुल ठीक ठाक फर्स्ट क्लास है। तो खैर सुबह हो चुकी है, ठीक है, अभी मैं उठा हूं, नमाज भी मैंने पढ़ ली है और नाश्ता भी मैंने कर लिया। तो यार मेरे जहन में आया कि यार जो है ना आपको बता दूँ कि भाई हमारे जो है ना जामिया अशरफिया के अंदर सालाना पेपर शुरू हो चुके हैं और कल हमारा एक पेपर हो गया और आज हमारा दूसरा पेपर है। तो अभी जो है फटाफट निकलते हैं और आपको मैं बता दूं भाई फरमान भाई जो है ना वो जामिया अशरफिया में ही है। उन्होंने कहा कि भाई मैं एक हफ़्ता जामिया अशरफिया में रहूँगा, घर नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने पेपरों की तैयारी करनी है। और मैं तो फुद्दू सा बंदा हूँ यार, मैं तो हर जगह सोचता हूँ कि छुट्टी छुट्टी करूँ, पेपर शेपर जिंदगी में मैं दूँ ही ना यार। पूछा मैंने कुछ तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है फरमान भाई को मैंने कहा ठीक है आप रेस्ट करें, आपको वैसे भी कोई 5-6 दिन रह गए हैं, पेपर देंगे फिर आप फारग हो जाएंगे जामिया अशरफिया से। और मेरे तो अभी 4-5 साल 6 साल है, ठीक है, लेकिन मैं जो है ना इंशाल्लाह दुकान पे आपकी ड्यूटी दे दूंगा क्योंकि उन्होंने मैंने बताया था कि यार मगरिब के बाद उनकी ड्यूटी शुरू होती है तो मैं उनकी अब ड्यूटी देता हूँ। तो एनीवेज वेलकम बैक हो गया इसके ब्लॉग के अंदर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमीन ब्लॉग गैंग को ज्वाइन नहीं किया तो वह जल्दी से ज्वाइन कर ले, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमें आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। भाई मौसम मैं आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ा बहुत जो है ना धुंध शुंध निकली हुई है, आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत है, इतनी ज़्यादा धुंध नहीं है, लेकिन अभी फटाफट बिना टाइम जाए कि निकलते हैं, बाइक निकालते हैं। और मैं आपको बता दूँ यार कल हमारा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह आसान था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन आज हमारा पेपर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, किताबें मुश्किल है, लेकिन देखते हैं पेपर कैसे आते हैं। तो बिना टाइम से आगे लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सर जामिया में पहुंच चुका हूं, ठीक है, इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं था, सर्दी की वजह से जो है ना मेरे कांपे टांग रही हैं यार। खैर अभी जो है मेरे पास फरमान भाई की कुछ किताबें हैं, ठीक है, मैं जाता हूँ फरमान भाई को वो किताबें देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई फरमान भाई कहाँ पर है, फिर उसके बाद में आना है मस्जिद के अंदर और मस्जिद में थोड़ी सी तैयारी करनी है पेपर की, फिर उसके बाद हमारा पेपर शुरू होगा। तो अभी जो है बाइक भी मैंने दरख्त के नीचे खड़ी कर दी, हो सकता है बारिश बुरिश भी आ जाए यार। यार अभी मैं आ चुका हूँ, ठीक है, ये फरमान भाई का कमरा है, इतने बच्चे हैं भाई जो ना रात को यहीं पर रहते हैं और पढ़ते हैं पेपर की तैयारी करते हैं और मेरे जैसे जो है ना घर जाने की करते हैं यार। तो मैंने किताबें दे दी जी, ठीक है, अब वो चले गए इस कमरे के अंदर। तो यार मैं ना कोई जाता हूँ मस्जिद के अंदर कोई गर्म जगह ढूंढता हूँ, सर्दी मुझे बहुत ही ज़्यादा लग रही है, हेलमेट आपको देख रहे हैं मैंने उतारा नहीं है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है यार। तो यार बाइक मैंने यहाँ पे खड़ी कर दिया, ठीक है, ऊपर दरख्त है ना तो जिसकी वजह से अगर बारिश बुरश आ भी गई तो ये जो है ना थोड़ी इसकी सेफ्टी रहेगी। अभी मस्जिद के अंदर जाते हैं यार, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है यार, अंदर शायद हीटर शीटर लगे हों। चलो जी मस्जिद के अंदर आप देख सकते हैं बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, ये हमारी क्लास का अर्शद बैठे हुआ। हाँ जी अर्शद, कल पेपर कैसा हुआ है, सही हो गया? आज कौन सा पेपर है? आज मौसीका किरात और राशिद। यार मुझे तो पता भी नहीं होता पेपर किसका होता है, मैं मुंह उठा के वैसे आ जाता हूँ। आतिफ भाई भी काफ़ी दिनों बाद आए हैं, जैन और हसान भाई जो है ना तैयारियाँ शायरी कर रही। हाँ जी कल का पेपर कैसा हुआ है? ठीक हो गया, आज की तैयारी है? तुम भी मेरी तरह पढ़ते पढ़ते है, मुझे तो ये नहीं पता आज पेपर किसका है। खैर अभी जो तैयारी शहरी चल रही है, ठीक है, अभी देखते हैं भाई क्या सीन है, किताब शिताबी तो आकर भाई लेके आ गया, थोड़ी बहुत पढ़ते हैं यार। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चेक करो जी पेपर हो रहे हैं, नीचे वाला हॉल बेसमेंट। ओए होए होए काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, मैं खुद पेपर दे के आ गया हूँ, इस वजह से अब खाली खाली मैं आपको ऊपर वाला हॉल दिखाता हूँ। और ये जो आपको सारी जगह नज़र आ रही नहीं, ये सारी जगह फुल होती है भाई, अंदर मस्जिद में अभी भी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे बच्चे चले गए हैं भाई। आपका भाई जो है ना काफ़ी लेट आता है क्योंकि पेपर बड़ा लंबा होता है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बता दी, मैं आपको पर्चा भी दिखाता हूँ आज क्या आया था। तो यार ये है हमारा आज का पर्चा, ठीक है, आपको मैं बता दूँ इल्म सीगा का था और इसके साथ साथ ये नीचे किरात और राशदा, ठीक है, ये आपको बहुत मुख्तसर नज़र आ रहा है लेकिन ये बहुत लॉन्ग है, तकरीबन 3 घंटे कम अज़ कम, कोई 5-10 मिनट कम 3 घंटों से मेरे लगे हैं। पर्चा बड़ा मुश्किल है, ये देखिए भाई क्या क्या पूछा हुआ, पता नहीं क्या 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 पूछा हुआ है इसमें से। ये देखिए क्यों लिखा, कोई से 3 सवाल हल करे, पहला सवाल हल किया, तीसरा हल किया और 5वां हल किया, ठीक हो गया। और ये दोनों हल करने थे, इतना टाइम नहीं था कि मैं यहाँ पर टिक लगाता, फटाफट से मैंने दोनों हल किए और अल्हम्दुलिल्लाह दे दिया। अब इसका रिजल्ट जब आएगा फिर आपको पता चलेगा। देखिए भाई जामिया अशरफिया लाहौर, ये आज हुआ 24 यनायर, ये देखो भाई अरबी में जो ना जनवरी को ना अरबी में ये नायर कहते हैं, ठीक हो गया। और 12 रबी जो भी मतलब भी सारा आप देख लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ना सारा देख सकते हैं। अभी फटाफट निकलते हैं यार, ये देखो हाथ कितने रेड हो गए पड़े हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है यार, निकलते हैं यार।
1 hour later. क्या घर में आ चुका था, ठीक है, खाना शाना मैंने खा लिया है और जो है ना जो कीबोर्ड वगैरह सामान पेपरों का वो भी मैंने रख लिया है। अभी जो है जहर की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो फटाफट से मैंने वज़ू कर लिया, ठीक है। ये जो है ना वहाँ पे आपके भाई ने वज़ू किया, फिर ऐसे आया, अभी जो है ना ऐसे ऐसे आ रहा है। अभी मैंने वज़ू किया तो अभी नमाज़ का टाइम हो रहा है तो फटाफट निकलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आपको पता है कि जहर के बाद आपके भाई की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, तो फटाफट से पहले नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद आएँगे हम वापस दुकान पर, फिर दुकान पर मैं आपको मिलता हूँ। सर फाइनली जो है दुकान के अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। और भाई हमारे कुछ ना इसी तरह मुख्तसर से और छोटे छोटे व्लॉग बनेंगे। मैं आपको बता दूँ उसकी वजह ये कि हमारे पेपर चल रहे हैं, ठीक है, तो यार पेपर की तरफ मेरी तवज्जो ज़्यादा है क्योंकि भाई बड़े इंपॉर्टेंट दिन है। अगर मैं कोई भी खुदा न खास किसी पेपर में फ़ेल हो गया तो फिर जो है ना मेरा साल ज़ाया हो जाएगा, तो इस वजह से ज़्यादा ध्यान और तवज्जो जो है ना मेरी पेपरों की तरफ है, तैयारी की तरफ है। जैसे हमारे पेपर होंगे फिर सरप्राइज़ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई हमें 3 महीने की छुट्टी हो जानी है भाई। पेपरों के बाद ना हमें 3 महीने की छुट्टी होगी और उसमें बड़ा कुछ करने वाला हूँ। दुकान पर अंदर मैं आ चुका हूँ, ठीक है। बिल्ली देखो आराम से सो रही है भाई। हाँ जी, सो रहे हो, मज़े कर रहे हो, हैं। हम तो इम्तिहान दे रहे होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं और ऐसे थक जाती हैं, तुम तो आराम से आके मज़े कर रहे हो यार। यार भाई मेरे ख्याल से ना इसको सर्दी लग रही है। सर्दी तो नहीं लग रही मेरी बीजी? सर्दी तो नहीं लग रही आपको? कहता नहीं। चलो जो इसके लिए खाना शाना पता नहीं है कि नहीं, देख लेते हैं। एक तो पता नहीं चलता भाई। चलो मेरे ख्याल से खाना ख़त्म हुआ हुआ है भाई। ये सुबह का नाश्ता है इसका, ये दोपहर का खाना है, और अभी जो है ना आज पता नहीं मेरे ख्याल से नहीं लेके आए। तो अभी खैर देखते हैं यार, फिर सीन जुगाड़ जुगाड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं व्लॉग का एंड कर रहा हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल अमीन व्लॉग को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो यार सिर्फ गुजारा करना है, ठीक है। मैं भी मतलब कि अफसोस कर रहा हूँ कि यार बस मुख्तसर व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सरप्राइज़ जो है ना वो मैं छुपा के रखी है मैंने, इंशाल्लाह आपको मैं दूंगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ओका।